अम्बाला फास्ट न्यूज में मैं मंजू वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। डाक विभाग हरियाणा की मुख्य पोस्टमास्टर जनरल रंजू प्रसाद ने कहा कि उनके विभाग और UHBVN और DHBVN में बिजली बिल को लेकर हुआ है समझौता। अब 20,000 तक के कैश बिजली बिलों का भुगतान डाकखाने में किया जाएगा। यह समझौता 1 अक्टूबर से लागू होगा। DHBVN के फिलहाल 3 जिलों फतेहाबाद, हिसार और सिरसा में यह पायलट प्रोजेक्ट किया जाएगा और जल्द ही इसके 9 जिलों में भी यह प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए ये एक बहुत ही यादगार दिन है। ये इस तरह से कि जो बिजली के बिल आम जनता भरती है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी, वो हम लोगों ने ऑलरेडी हमारी एक MOU हुई थी उत्तर हरियाणा बिजली निगम के साथ, वितरण निगम के साथ हुई थी, और वहाँ हम लोगों ने 10 जिलों में जितने हमारे पोस्ट ऑफिसेज हैं HO और SO में, लोग वहाँ 20,000 तक कैश में उसमें जमा कर सकते हैं बिजली का बिल और उनको कोई एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। और इसी तरह से आज हम लोग 1 तारीख कल से दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम जो है उसके साथ भी हम लोग ये एक टाई अप कर रहे हैं, जिससे अभी 3 जिलों में ये कल से शुरू हो रहा है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, फतेहाबाद, हिसार और सिरसा जिलों में। इसके बाद ये बाकी जो 9 जिले रहेंगे वो उनमें भी लागू किया जाएगा। इसमें जनता बहुत खुश है क्योंकि उनको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लग रहा है और ये उनके बिल्कुल नज़दीकी डाकघरों में उपलब्ध है। इसमें भी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है, जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया है। जो वो पेमेंट करेगा उसकी रसीद भी जनता को मिल जाएगी, जो भी कस्टमर है उनको मिल जाएगी, और साथ ही साथ निगम के सर्वर पर भी उसका डेटा चला जाएगा। इस तरह से ये एक बहुत बढ़िया सुविधा उपलब्ध है और आम जनता को भी इसमें बहुत खुशी है। इसके साथ ही हम लोगों ने जो कोर बैंकिंग में भी एक बहुत आगे हम लोग आए हैं, ऑनलाइन हम लोग बैंकिंग कर रहे हैं और IPPB के भी माध्यम से 10,000 तक किसी भी कस्टमर का कहीं भी हो खाता, वो हम लोग उनको एट द डोर स्टेप पेमेंट कर रहे हैं। और हम लोगों ने करोड़ों करोड़ कोविड के समय में भी हम लोगों ने
करोड़ों करोड़, 150 करोड़ से भी ऊपर हम लोगों ने आम जनता को जो अस्पताल में है, लेबर्स हैं, माइग्रेंट लेबर्स हैं, मजदूर हैं, जो बिल्कुल अशक्त महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनको हम लोगों ने खेतों में, खलिहानों में, कहीं भी उनको जाकर पेमेंट्स किया है, किसी दिन भी। इससे भी लोगों में मेडिसिंस का और पीपी किट्स बहुत सारी हम लोगों ने, इधर हम लोगों ने जनता को सुविधाएं दी हैं। और गांव-गांव तक में भी, शहर हो या गांव हो, पोस्टमैन अपने मोबाइल ऐप के द्वारा डाक वितरण कर रहे हैं। साथ ही साथ ये जो ट्रैक एंड ट्रेस उपलब्ध हो जा रहा है, और गांव-गांव तक में भी हम लोगों ने सीनियर सिटीजन्स और दूसरी जो सुविधाएं हैं सेविंग्स की, वो भी शुरुआत कर दी है। और गांव में भी हमारे जो सबसे छोटे लेवल पर जो पोस्ट मास्टर्स हैं, वो भी अब कंप्यूटर के द्वारा, हैंड हेल्ड डिवाइस के द्वारा वो काम कर रहे हैं। और ये DBT भी हम लोग गांव-गांव तक में कर रहे हैं। वैसे तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं हमारे विभाग के, उन लोगों का मुख्य उद्देश्य आम जनता तक सुविधा पहुंचाना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, जो डिजिटल है वो भी करना है। और मेन हमारा रेवेन्यू तो आ ही रहा है, लेकिन इसके साथ है जो मेन इसका मकसद है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, फाइनेंशियल इंक्लूजन, और जो बिल्कुल निचला स्तर है, सबसे पोस्ट ऑफिसेज, डाक सेवा, जन सेवा, और लास्ट माइल तक जो लोग हैं उनको हर सुविधा उपलब्ध कराना।